electoral behavior it is the topic for today's discussion so what we understand by this term the electoral behavior that this involves the decisions about which parties or candidates to support in an election as well as decisions about which issue positions to hold how to participate in politics so every democratic system's electoral choices are at the center of the political process. So what actually we understand by the electoral behavior that in every political system, uh, in every democratic political system which wants to have mature decisions, that system gives the citizens equal opportunity to participate or choices. यानी हर वो अच्छा सियासी निज़ाम अपने लोगों को मौका ये फराहम करता है कि उनके पास ये इख्तियार हो, उनके पास ये हक हो कि वो बवकते ज़रूरत चाहे इलेक्शंस हो या किसी भी और अमल के ज़रिए अगर लोगों का कंसेंसिस सिस्टम को चाहिए निज़ाम को चाहिए तो वो अपने लोगों को मौका दे ताकि लोग अपनी राय का इजहार कर सकें इसमें अहम बात क्या है कि जो सियासी है पॉलिटिकल प्रोसेस इसकी ज़रूरत होती है कि अगर लोग अपनी आज़ादी अपनी खुद मुख्तारी से अपनी चॉइस से अपनी राय का इजहार करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा ताहिर सियासी अमल को होगा और इसी वजह से इलेक्शंस आर कंसीडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम in early time period political sociology gone through the process to have conducted the researches to evaluate that how the people wants to be the part of political system how the people wants to determine their electoral behavior so a critical issue which is the debate of political sociology regarding the electoral behavior दैट हाउ सोशल क्लविज़ दे प्ले द रोल इन दिस प्रोसेस कैसे हम बात को आसान लफ्ज़ों में समझ सकते हैं देखिए हर जब इलेक्शन होता है तो हर माशरे के अंदर हर सियासी निज़ाम के अंदर लोगों को ये मौका दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी का इंतखब कर सकें ठीक है लेकिन क्या लोगों को ऐसी चॉइस भी दी जाती हैं अगर एक ही फ़र्द है और उसने ही इलेक्शन जीतना है तो ऐसे इलेक्शंस का तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर अगर सोशल क्लविज़ के अंदर अगर माशरे के अंदर जो अफराद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं अगर वो किसी खास शनाख्त के हामिल हैं और आपको उन्हें मंतखब करना पड़ जाए और आप उससे मुतमिन ना हो तो जाहिर है ये भी फिर तनाव की कैफियत पैदा करते हैं और फिर ऐसे ही The increase in candidate and issue voting has इशू uncertain impacts on the democratic electoral process. देखिए बाजात ये भी तो होता है ना कि बहुत सारे नुमाइंदे होते हैं ठीक है और फिर कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो जिनकी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जाता है या फिर वोट देते हुए बहुत सारे इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं तो क्या ऐसे इलेक्शंस ऐसा तरीकार ये इलेक्टोरल बिहेवियर क्या सियासी स्या, निज़ाम के लिए फ़ायदा मंद है यकीनन इस पर भी सवाल हैं दैन पब्लिक बिकमिंग मोर फ्लू एंड लेस प्रोडिक्टेबल ये आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है बहुत सारे फोरम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्शन से पहले वो राय लेते हैं पब्लिक ओपिनियन पोल्स होते हैं और उसकी बुनियाद पर प्रोडिक्शन होती हैं लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नाउ इन मॉडर्न टाइम व्हेन देर आर लॉट ऑफ इश्यूज़ एंड व्हेन देर इज़ अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द बिहेवियर एंड प्रोडिक्शंस ऑफ अबाउट द पार्टिसिपेंट्स शहरियों के बारे में आजकल कल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर रोज जैसे जैसे मसाइल आ रहे हैं हर रोज़ जैसे जैसे सवाल आ रहे हैं इस सब के साथ ये प्रोडिक्ट करना इलेक्शन में कौन किसको वोट देगा बहुत ज्यादा मुश्किल है जैसे जैसे नुमाइंदों की तादाद बढ़ रही है जैसे जैसे मसाइल में इजाफा हो रहा है उसी तरीके से प्रोडिक्शन इज गेटिंग वेरी मच अनप्रडिक्टेबल सो द नेचर ऑफ इलेक्टोरल बिहेवियर इज चेंजिंग इन एडवांस्ड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसिस जो इलेक्टोरल बिहेवियर है दैट इज नॉट चेंजिंग इन द डेवलपिंग वर्ल्ड इट इज ऑल्सो

या वो अपनी हक रायदही का इस्तेमाल किन बुनियादों पर करेंगे